001 cognitive psychology unit 1, right? So till now we have discussed this one, like research methods in psychology, introduction to cognitive psychology. So today we'll discuss 1.4, that is a domain of cognitive psychology. So let's go there. Domains of cognitive psychology, this we have discussed. So domains in cognitive psychology, domains means what you study, what are the areas that you study in cognitive psychology. So modern cognitive psychology freely draws theories and techniques on 12 principal areas. वो 12 principal areas क्या हैं, वो इस figure में आप देख पा रहे हैं कि जो दिया हुआ है, these are the basically 12 areas, right? So you can see that, like human artificial intelligence, cognitive neuroscience, perception, thinking and concept formation, attention, representation of knowledge, consciousness, memory, imagery, language, developmental psychology, pattern recognition. So these are the areas. So let's understand this thing. So one is like cognitive neuroscience. First one is cognitive neuroscience. So cognitive neuroscience kya hai? Cognitive, cognition, you know. Neuroscience means jo न्यूरोलॉजी से आपके रिलेटेड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड है, उस चीज़ को हम न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी से बोलते हैं. सो ब्रेन में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जैसा हमें पता है कि होते हैं, और ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारा ब्रेन जो प्रोसेस करता है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, वो सारी चीज़ें न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स हैं वो करते हैं. अगर आपने बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ऑलरेडी पढ़ी होगी तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा उसके बारे में. सो अब क्या हुआ, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस क्या है, एक तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, दूसरा जो आपका न्यूरो साइंटिस्ट है, दोनों का एमलगम है एक तरीके से, मतलब दोनों का एक मिक्स्ड वो है. सो अब इसमें करती क्या है, तो अब ये जो न्यूरो साइंस में होता है, तो अब जो कॉग्निटिव यानी कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनके न्यूरोलॉजिकल बेसिस क्या है, एक्सप्लेनेशंस क्या है. अगर हम सोच रहे हैं तो हमारे ब्रेन में कौन से केमिकल्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स और हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो इन्वॉल्व है, तो दैट इज द वर्क ऑफ न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस. सो ये इस चीज को स्टडी करते हैं कि हमारा सोचने, समझने, याद रखने का या परसीव करने का जो तरीका है या जो चीजें हैं वो कैसे हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, उसके क्या ब्रेन में क्या है उसके बेसिस हैं. सो वो जानने की लोग कोशिश करते हैं, और इसमें बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जिसमें कई बार ये ब्रेन को कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, उसको चेक करते हैं, कभी कुछ उसमें केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं जिसको वो देखते हैं कि जिससे वो देख पाते हैं कि ब्रेन में कौन सा पार्ट एक्टिव है या नहीं है. सो आई थिंक ये खैर है, तो यहाँ इसके लिए इतना बहुत है समझना हमारे लिए, यहाँ पर हम ब्रीफली समझते हैं बिकॉज ये एक अलग ही ब्रांच है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस. देन आपका आता है परसेप्शन. सेकेंड नंबर पे परसेप्शन का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है. परसेप्शन क्या होता है कि जब सेंस ऑर्गन से कोई इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में आती है ना, तो वो ब्रेन उसको एक मीनिंग देता है जिससे आप उसको समझ पाते हैं. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं परसेप्शन. जैसे कोई चीज़ आपने देखी, आप कैसे पहचान लेते हैं कि कोई एरोप्लेन है या पेन है या मोबाइल है, बिकॉज यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ दैट. सपोज एक ऐसी चीज़ जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, तो आप उसको कुछ मीनिंग दे नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे. तो ग्रेजुअली फ्रॉम चाइल्डहुड वी लाइक गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड वो इंफॉर्मेशन का जो हम मीनिंग क्रिएट करते हैं, जिसको हम समझते हैं, उसको एक मीनिंग देते हैं, उसी प्रोसेस को हम परसेप्शन बोलते हैं. ठीक है,
तो ये जो परसेप्शन की स्टडी भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी करती है, ठीक है। तो कैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं, समझते हैं, सेंस ऑर्गन मतलब जो सिर्फ इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है ब्रेन में, और ब्रेन उसका कैसे मीनिंग निकाल रहा है, कैसे इंटरप्रेट करता है ना, उसी उसी को हम परसेप्शन बोलते हैं। तो इसकी स्टडी भी क्या कहते हैं, हमारा जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो करता है। अब हम आते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन पे। पैटर्न रिकॉग्निशन पे मतलब कैसे, पैटर्न का मतलब आपको बताइए, रिकॉग्निशन मतलब समझना उसको, रिकॉग्नाइज करना। तो अगर हमें किसी चीज को समझना है तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ना। आपने जैसे कोई स्मेल है जो आपको आई है ना, एंड वो स्मेल किसी फूड से आ रही है, ठीक है, फूड आइटम की स्मेल है, एंड आपका उसके साथ में पहले से एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस होने की वजह से कि आपकी वो मेमोरी में स्टोर्ड है। तो अब आप उसका एक चीज़ों को एक क्या कहते हैं, समझना शुरू करते हैं, और देन यू हैव ए इमेज ऑल्सो कि ये चीज़ ये हो सकती है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सिमिलरली जो एक और चीज़ जो बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, कि जैसे अब ये डॉट 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 डॉट, ये इस तरह से डॉट्स हमने उस दिन बनाए थे, और इसको हम इस तरह से हमने किया था, तो इसको हम एज ए ट्राइंगल परसीव करते हैं, है ना। तो ये पैटर्न हम रिसीव करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से एक ट्राइंगल दिखता है। हम उसको डॉट डॉट्स नहीं देखते हैं जबकि कोई लाइन नहीं है, ओनली डॉट्स हैं, दे आर नॉट ट्राइंगल, बट वी परसीव इट एज ए ट्राइंगल। तो इसको हम एक पैटर्न किस तरह से हम परसीव करते हैं वो हमें समझ में आता। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, है ना। तो अब उसी तरह से जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया इन्होंने रीडिंग का, तो रीडिंग में जब हम पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं ये लाइन पढ़ूँ, रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एफर्ट इन विच द रीडर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैटर्न फ्रॉम ए अदरवाइज मीनिंगलेस एरे ऑफ लाइन्स एंड कर्व्स। सो अब जिसको ये लैंग्वेज नहीं पता है इंग्लिश, उसके लिए तो ये लाइन और कर्व्स ही हैं कि कुछ बना हुआ है, लाइन खींची हुई है। अब सपोज ये कोई लैंग्वेज है जो लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं और इस तरह से लिखी हुई है ना, तो जिस जो इसको जानता है वो तो इसको पढ़ लेगा, लेकिन हमारे लिए क्या है, लाइन्स डॉट्स यही सारा कुछ है हमारे लिए। तो सिमिलरली अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे समझना है, उसका मीनिंग कैसे निकलना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये हमने सीखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो हम पढ़ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जब हम शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हैं, अगर हम देखें तो कैसे पढ़ते हैं, हम इतना फ्लुएंटली नहीं पढ़ते हैं, रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स। तो अब क्या है, हमने ये पैटर्न देखे और अच्छा हमारा हमने उसको रीड कर लिया, हम एक एक चीज़ को मैच नहीं कराते हैं कि READING इज रीडिंग, इनिशियली वी डू दैट। कोई नई लैंग्वेज आप सीखते हैं तब भी आप इसी तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके। तो हम उनको एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, हमें पता है ये रीडिंग लिखा है इज ए कॉम्प्लेक्स एफर्ट इन विच द रीडर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैटर्न फ्रॉम द अदरवाइज मीनिंगलेस एरे एरे ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। तो क्या हुआ, तो यही जो इतनी स्पीड से पढ़ा गया क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हम उसको हम पढ़ रहे हैं, वो लाइंस और डॉट्स जो भी बने हुए लैंग्वेज में वो हम उसको देख रहे हैं, हमारा ब्रेन उसको डिकोड कर रहा है, उसका मीनिंग भी हमें, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, मीनिंग भी हमें समझ में आ रहा है। सो दिस इज वॉट पैटर्न रिकॉग्निशन इज, कि यू इमिडिएटली रिकॉग्नाइज कि इट इज रिटन रीडिंग और कॉम्प्लेक्स और एफर्ट्स वट एवर इट इज रिटन। सो हाउ वी डू दैट, दैट इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ओनली, सो दैट वी डू इन पैटर्न रिकॉग्निशन। तो दैट इज एन अदर यू कैन से एरिया, दिस इज पैटर्न रिकॉग्निशन जो यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली आगे हम बात करेंगे अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज ईयर है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट से करते हैं, एनवायरनमेंट से करते हैं।
अब ये इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स में आती है, इसको करने के लिए हमें अटेंशंस चाहिए। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अभी जब आप जहाँ भी बैठे हैं आसपास बहुत सारी चीज़ें स्टिमुलस हैं, बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, लाइट होगी अगर रूम में है तो, टीवी लगा हो सकता है, फैन की आवाज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें, बट आप सारी चीज़ों को अटेंड नहीं करते हैं। आपके मतलब की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप अटेंड कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट से बहुत सारे स्टिमुलस और इन्फॉर्मेशन आती है, सेंस इन्फॉर्मेशन, इसमें से कुछ चीज़ों को जो हमारे ज़रूरत की होती हैं या हमें लगता है हमें, उसको हम अटेंड कर लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम अटेंशन बोलते हैं। तो कैसे हम इन्फॉर्मेशन अटेंड करते हैं? सेलेक्टिवली। तो इट इज़ ए सेलेक्टिव प्रोसेस, है ना? सो सेलेक्टिव मीन्स बिकॉज यू डू। सर एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे हज़ारों लोग हैं रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन के अंदर और मेट्रो ट्रेन के अंदर, तो वहाँ पे आप सारे लोगों को का चेहरा देख देख के पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये कोई जानने वाला है कि नहीं है, और ये कोई जानने वाला तो नहीं मिल गया मुझे, या मैं इसको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, ये चेहरा जाना पहचाना है या नहीं, ये सब नहीं करते आप। हाँ, लेकिन जैसे ही कोई फिगर ऐसी दिखती है आपको कि वो आपका जानने वाला हो सकता है, पॉसिबल, तो आपका ब्रेन वो आप उस आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को अटेंड करता है, आप उसको अटेंड करते हैं, दैट इज अटेंशन। कि उसमें फिर आप डिटेल ढूंढने की जरूरत, आपको लगता है कि है तो आप जाके उससे बात करेंगे, नहीं है तो आप स्कैन करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो दैट इज वॉट अटेंशन इज। सो ये प्रोसेस कैसे काम करती है ना, है ना? तो उसको स्टडी भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी करता है, क्योंकि हमारा एक चीज़ हमें समझना होगा, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, लिमिटेड कैपेसिटी है, सारी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट की वो नहीं ले सकता, तो वो सेलेक्टिवली कुछ करंट अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल सरकमस्टांसेस। सो कॉन्शियस होने का मतलब तो समझते हैं आपकी, आप कुछ सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कॉन्शियसनेस है। उसी तरीके से एक चीज़ होती है कोमा, आपने सुना होगा, जहाँ पे वो अवेयर ही नहीं होता है या बेहोश होता है, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, जिसको आसपास क्या हो रहा है पता नहीं। कॉन्शियस है तो क्या है कि उसको आसपास क्या हो रहा है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर पा रहा है, समझ पा रहा है और उन चीज़ों को कर रहा है। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का फर्क ये होता है। अनकॉन्शियस मतलब आपको, आप कुछ, आपको नहीं पता है आसपास आपके क्या हो रहा है। तो वो जो कॉन्शियसनेस होती है वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है, उसका किस तरीके से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, है ना, कि स्लीप स्टेजेस क्या होती हैं। स्लीप भी एक काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। कॉन्शियसनेस जब आप जगे हुए हैं, स्लीप में हैं, तो आप तब भी आप आसपास अवेयर नहीं हैं, बट देन यू आर इन ए सर्टेन स्टेज ऑफ लाइक कॉन्शियसनेस यू कैन से, कि जहाँ आप ड्रीम्स और वो सारी देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं और आप उसको उसके बारे में अवेयर हैं। एंड थर्ड थिंग इज, जो हम बात करते हैं इस जो कोमा की बात है या अनकॉन्शियसनेस की बात है, तो ये सारी स्टेजेस को वो लोग असेस करते हुए हैं, समझते हैं, और इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देन नेक्स्ट वन इज मेमोरी। मेमोरी मेमोरी में जैसे क्या होता है कि हम चीज़ें रिमेंबर कैसे रखते हैं। कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं याद होती हैं, कुछ चीज़ों को हम लंबे टाइम तक याद रखते हैं, कुछ चीज़ों को हम थोड़ी देर याद रखने के बाद में भूल जाते हैं। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपके कैसे काम करते हैं वो स्टडी, वो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करेगा। तो आगे आपका आएगा भी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ यूनिट्स में। तो अब जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे किसी ने किसी प्लम्बर का नंबर आपको चाहिए, तो आपने नंबर ले लिया, उसको कॉल कर लिया, आपका काम हो गया, आप वो नंबर भूल गए, ठीक है। अब जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके पेरेंट्स का नाम है, ये आप कभी नहीं भूलते, कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, तो कैसे काम करता है। तो मेमोरी के बारे में बात की, तो मेमोरी को भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे शॉर्ट, है ना, जो थोड़ी देर के लिए आप याद रख पाते हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी, एक आमिर खान की मूवी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या था,
तो आई थिंक गजनी गजनी क्या था, जिसमें उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से क्या नुकसान होगा कि शॉर्ट टर्म में आएगी कोई इन्फॉर्मेशन तभी वो तो लॉन्ग टर्म में जाएगी, जब आप फर्स्ट टाइम उसको देखेंगे थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे उसको रिपीट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। तो वो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, तो आपने देखा होगा अपनी बॉडी के ऊपर लिख के रखता था कि उसको कहाँ जाना है क्या करना है ऑल दोस थिंग। तो मेमोरी कैसे काम करती है उसको भी स्टडी करता है आपका ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यहाँ से ये भी एक एरिया उसका है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, कैसे हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर पेन है तो पेन तो बहुत तरीके के होते हैं। अब पेन का, पेन एक कॉन्सेप्ट है, तो पेन का कॉन्सेप्ट में क्या है ना, उसमें उससे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट, है ना। एंड मेन फंक्शन तो यही होता है, और उसका जो वी कैन होल्ड इट, एक शेप होगा उसका जिसकी वजह से हम इसको पकड़ सकते हैं प्रॉपरली पेन या पेंसिल को। उसमें एक नेब होगा या एक रिफिल जो हो डालते हैं हम लोग वो होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपके सामने किसी भी तरह का पेन लाया जाए, अब पेन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जिसमें दो नेब्स होती हैं, कुछ ऐसे पेन्स होते हैं, कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जैसे इसमें दो निब्स होती हैं, कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जिसमें क्या कहते हैं पेन ड्राइव भी लगी हुई है पीछे। पेन भी होते हैं जो डिफरेंट साइज की डिफरेंट शेप्स की, किसी में फोर रिफिल्स हैं, किसी में इंक पड़ती है, बट उनका फंक्शन एक है लिखना, उसको आप इजिली हाथ में पकड़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं ऑल दोस थिंग। तो किसी भी तरह का फोन देखते हैं, सॉरी आप किसी भी तरह का आप पेन देखते हैं तो आप इमिडिएटली उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कई बार क्या होता है आपको किसी का नाम नहीं याद आता, है ना। जब नाम नहीं याद आता तो आपको याद आता है कि इसका नाम शायद आर से है या इसकी शक्ल पहचानी हुई है, आर से इसका नाम है, लेकिन वो नाम आपको याद नहीं आ रहा। तो ये जो सारी चीजें हैं कि बिकॉज ये क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के अंदर कैसे रीस्टोर करते हैं, रखते हैं। जैसे लाइब्रेरी में होता है कि भाई ए वाली बुक्स एक साइड में, हिस्ट्री वाली अलग है, मैथ वाली अलग है, ऑल दोज थिंग। तो सिमिलरली क्या कहते हैं, हमारा जो मेन फंक्शन है इसका ब्रेन का, वो कैसे काम करता है, इंफॉर्मेशन को हम कैसे स्टोर करते हैं और कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इन्फॉर्मेशन को कैसे हम बाहर लेकर आते हैं अपने कॉन्शियस लेवल पे, ये सारी चीज़ों को स्टडी करता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, कैसे हमारा ब्रेन उसको रिप्रेजेंट करता है, स्टोर करता है, रिकॉल करता है, वो भी हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ये भी उसका एक हिस्सा है। देन इमेजरी, इमेजरी के बाद क्या होगा कि जो इमेजेस होती है, कॉग्निटिव मैप एक वर्ड होता है ना, टॉलमैन ने दिया था, एक हम एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो इमेजरी क्या है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जहां जिस सिटी में आप रहते हैं, सपोज वहां पे कोई एक जगह है एक्स, या उसको नाम ले गया, यूजली एक बहुत कॉमन नाम है जैसे मॉडल टाउन या सिविल लाइंस ऑल दोज थिंग्स, तो दीज काइंड ऑफ नेम्स आर वेरी कॉमन। तो मैं अगर बोलूं कि भाई आप लखनऊ में रहते हैं तो आप, या दिल्ली में रहते हैं, आप मुझे बताओ मॉडल टाउन जाने का क्या रास्ता है, और आप उस अच्छे से उस रास्ते से वाकिफ हैं, है ना। तो आपको, आपने बताया मेरे को कि आप यहाँ से लेफ्ट राइट जाना, राइट से फिर लेफ्ट चले जाना, लेफ्ट से फिर राइट चला जाना, और फिर जब आप सामने देखोगे यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर देखेगा, मेडिकल स्टोर के साइड से आप जब अंदर की तरफ जाएंगे यहाँ पे ये घर है, ठीक। तो क्या हुआ, आपने उसकी एक पिक्चर बना ली अपने माइंड में, है ना, और वो आपने बताया, जो आप जो बता रहे हैं और जो सुन रहा है दोनों आपस में दिमाग में एक पिक्चर बना रहे हैं। तो वी कॉल इट कॉग्निटिव मैप, वी कॉल इट कॉग्निटिव मैप, है ना। सो ये एक इमेजेस के तौर पे आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो इसकी भी स्टडी जो है वो आपका ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एरिया एरिया में आ जाती है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन की, कॉग्निटिव मैप को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं। अगर हम देखें पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं
सारे के सारे बच्चे 1 ईयर से, नॉर्मल केस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली 1 ईयर से स्टार्ट कर देते हैं हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी सब्जेक्ट हैं, वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे वो लोग सीखते हैं। लेकिन अगर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज 1 ईयर में, चाहे वो हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें, फ्रेंच बोलें, जर्मन बोलें, हिंदी पंजाबी बोलें, गुजराती बोलें, वॉट एवर इट इज, 1 ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे बच्चे लैंग्वेज हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे लैंग्वेज सीखते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इन सारे चीज़ों को जो स्टडी करता है वो भी एक, वो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ही होता है। तो लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, क्योंकि जब हम उसको अगर कर लेंगे स्टडी, तो उसको कैसे हमें पता लगेगा कि भाई लैंग्वेज किस तरह से काम करती है, या कैसे सीखते हैं, अगर हमें बेटर बनाना है तो कैसे हम उसको बेटर बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें। देन आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का डोमेन। तो इसको भी स्टडी करते हैं आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का भी एक एरिया है, जहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में डिस्क करते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट मेंटल, फिजिकल और किस तरीके से होता है। लेकिन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का क्या कहते हैं, अगर हम बात करें कॉग्निशन में, तो दे फोकस ऑन कॉग्निशन, कि उनका कॉग्निशन कैसे डेवलप होता है। एक बहुत ही बड़ा नाम है, अगर आपने सुना होगा, हो सकता है, पियाजे। पियाजे ने जो दी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी। स्टेजेस दी थी कि कैसे बच्चा आसपास की दुनिया का सेंस बनाना शुरू करता है। तो उन्होंने दिया जैसे कंक्रीट, फॉर्मल, प्री फॉर्मल, इस तरह की स्टेजेस उन्होंने कई सारी दी। जब उसका चैप्टर आएगा तो हम लोग उसको भी डिस्कस करें। तो कैसे हम, हमारा कॉग्निशन डेवलप होता है धीरे धीरे, और किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, वो हम पढ़ेंगे बाद में, तो किस तरह से डेवलप होता है हमारा कॉग्निशन, उसके ऊपर भी स्टडीज जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है लोगों में। बेसिकली अगर हम बात करें, बच्चों की बात कर रहे हैं। थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट की मैंने अभी बात की, जैसे पेन का कॉन्सेप्ट था, उसी तरह से चेयर का कॉन्सेप्ट भी है। अब चेयर तो बहुत तरह की होती है, एक आराम चेयर हो गया, एक ऑफिस चेयर हो गई, एक घर में रखने वाली चेयर हो गई, डाइनिंग टेबल का चेयर हो गया, बट सारे चेयर्स में क्या है, 4 लेग्स, 4 पैर हैं उसके, वो उस बैठने के लिए यूज होता है, फॉर सिटिंग पर्पज, है ना। तो ये कॉमन है। तो आपको जो भी चेयर्स दिखाई जाएंगी, जितनी भी चेयर्स आप देखोगे, है ना, बैठने के लिए, वो सारी चेयर्स आप पहचान लोगे, क्योंकि उनका एक बेसिक होता है। तो ये आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि चेयर क्या होती है। अब जो भी चेयर वाली इंफॉर्मेशन आएगी उसमें इंक्लूड होती जाएगी। तो अब क्या ये ऐसा माना जाता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। क्योंकि अगर सब इंफॉर्मेशन अलग अलग हो कि चेयर का कॉन्सेप्ट बन गया, तो आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना आपके लिए इजी हो गया। टेबल का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, बुक्स का अलग बना है, टीवी क्या होता है इसका अलग बना हुआ, तो इमीडिएटली ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। दिस इज काइंड ऑफ वे यू कैन से योर ब्रेन यूजेज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। तो इन कॉन्सेप्ट थिंकिंग, तो उसी के बेस पे हम सोचते भी हैं। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे तभी हम सोच पाएंगे कि अगर मुझे सोचना है कि यहाँ से दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, तो अगर हमने कहा 1500 किलोमीटर है, तो अब वो 1500 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, वो कैसे आप समझोगे। अब जो किलोमीटर में नहीं करता है कैलकुलेशन, कोई और यूनिट में करता है, तो उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। बट यू नो कि 1 किलोमीटर कितना होता है और 1500 किलोमीटर कितना होता है। अच्छा, ट्रेन जो है 500 किलोमीटर जाने में हम लेती है 8 घंटे, तो 1500 किलोमीटर जाने में करीब 16, 17, 18 आवर्स लेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके बेस, क्योंकि तभी आप सोच पा रहे हो। अगर आपको पता नहीं है 1 किलोमीटर में कितना टाइम हो, कितनी दूरी होती है, कितना होता है, तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये समझना कि कैस थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे बनते हैं हमारे, कैसे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे हम सोचते हैं, ये सारी चीज़ें भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हिस्से में आती हैं, और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इसको स्टडी करते हैं। देन हम आ जाते हैं ह्यूमन
आर्टिफिशियल ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगेन इंटेलिजेंस को मैंने कल भी थोड़ा सा बात किया था, इंटेलिजेंस को कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि इंटेलिजेंस, अगर मुझे पता लग जाता है कौन कितना इंटेलिजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम काम दे सकते हैं या उसको हम पढ़ाई में आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इंटेलिजेंस क्या है कि इंटेलिजेंट, जब आप बोलते हैं किसी को ये बहुत इंटेलिजेंट, तो क्या है, वो जल्दी चीज़ें सीख जाता है, प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर लेता है, चीज़ों को याद अच्छे तरीके से कर लेता है, ऑल दोज थिंग्स। सो देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज अबाउट इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है, उसको डिफाइन करना, हम उसको कैसे, उसका असेसमेंट कर सकते हैं किसी पर्सन का कि किसमें कितना इंटेलिजेंस है और उसको हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को असेस करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। एंड देन आपका आता है ह्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन रिलेटेड टू इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर्स जो हैं, जैसे रोबोट्स एंड ऑल, उनमें कैसे वो क्षमता लाई जाए कि वो ह्यूमन की तरह जो चीज़ें होती हैं वो कर पाएं, है ना। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कि अपने आप से चीज़ें ऑटोमेटिकली वो कर पाए, सोच पाए, इमोशन शो कर पाए जैसे ह्यूमन करते हैं। तो दैट इज़ अ स्टडी ऑफ दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यू कैन डू दैट राइट व्हेन यू विल स्टडी द ह्यूमन बींग्स। एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लास कि भाई सबसे बेहतर मशीन अगर कोई है वो है ह्यूमन बॉडी और ब्रेन। तो ब्रेन की एक तरीके से, ब्रेन कैसे काम करता है उसको एक कंप्यूटर के अंदर कैसे हम ला सकते हैं, वो रीजनिंग और इमोशंस, ये सारी लैंग्वेज, ऑल दोज थिंग्स वो कैसे की जा सकती हैं, दैट इज अ एरिया ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट अगेन। तो दे वर्क विद लाइक इंजीनियर्स एंड ऑल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।